बोल दीजिएगा जी, आप फिर ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा ज्यादा बोल रहे हैं आप। हाँ ज्यादा मत बोलिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक क्या है आप, ठीक तक क्या बने, आप पहचान रहे कि कौन हम बोल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के विरोध में बोलने वाले नेता को मिली धमकी, कहा माफी मांगे वरना अंजाम भुगतना होगा। आइए जानते हैं इस वायरल ऑडियो के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाने वाले बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने का दावा करने वाले चिराग पासवान की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के विरोध में इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। पार्टी के नेता ने चिराग पासवान पर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजद और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाकर प्रदेश की राजनीति में सनसनी फैला दी है। पार्टी सुप्रीमो से इस्तीफे की मांग करने के बाद बिहार लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने लोजपा के महासचिव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बाद लोजपा की तरफ से केशव सिंह को धमकाने का ऑडियो वायरल हो रहा है। जो ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें फोन करने वाला व्यक्ति अपने आप को लोजपा नेता अमर आजाद बता रहा है और वह केशव सिंह से फोन पर बात किया है। वायरल ऑडियो कॉल में पहले उस व्यक्ति से नाराजगी की वजह पूछा, उसके बाद धमकाने वाले अंदाज में उस व्यक्ति ने कहा कि आप लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। हेलो हेलो, केशव जी बोल रहे हैं जी? ये देख रहे थे वो, क्या बात हुआ जो सब, मैंने क्या बात हो गया? ये आपको बोल रहे हम अमर आजाद बोल रहे हैं भीम आर्मी से जी। क्या दिक्कत हो गया था? दिक्कत कुछ नहीं हो गया। और है दिक्कत कौन सी होगा? पार्टी में कोई लोकतांत्रिक ढंग नहीं रह गया, न कोई सिस्टम है, न कोई निर्णय है। मंडल चल रहा है तो उस पर तो आदमी बोलेगा ही, पार्टी में आवाज तो उठाएगा ही। तो आप बात के बैठ उठ के बातचीत नहीं की है? कोई बातचीत सुनने वाला है क्या? इस पार्टी में कोई बात सुनने वाला है? बड़े साहब वाला टाइम चला गया, बड़े साहब के रिजिम में था कि जो बात कहिए सुनते थे, सारा का निदान होता। नया जमाना, नया ढंग, नया स्टाइल चल दिया है, तो नया ढंग नया स्टाइल चल। तो आप लोग क्या विचार किए हैं? हम लोग विचार किए हैं, जनवरी में मीटिंग करेंगे, सब कुछ फाइनल किया जाएगा, कुछ नहीं। तो आप बोल रहे हैं कि पार्टी इस्तीफा दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। क्या पार्टी बोले? तो चिराग जी को बोल रहे थे कि इस्तीफा दीजिए। पार्टी अध्यक्ष होकर के वो वन साइडेड निर्णय लिए है, न कोई सांसद से, न कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड से, न कोई राज्य कमेटी से, किसी का निर्णय नहीं। वन मैन शो करके मीटिंग हुआ सब, तो पटना में भी देखे मीटिंग हुआ था सब लोग सूरज में। ये कोई मीटिंग है? उपाध्यक्ष का मीटिंग और प्रवक्ता का मीटिंग होता है। मीटिंग करने के लिए आपको राज्य का चाहिए है, राज्य का यही ना मंच है। आप तो बहुत दिन से थे पार्टी में, तो कम से कम आप लोग के जैसे आदमी को ऐसा नहीं करना। कोई सुनता ही नहीं है तो क्या? कोई एमपी का बात नहीं सुनता? कौन नहीं सुनता है आपका बात को? कौन नहीं सुनता है आपका बात को? कोई नहीं सुनता है पार्टी में अभी का जो रवैया है। आपने नहीं सब बात बहुत बोलिए, देखिए ये सब बात बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत कौन सी हो जाएगा? अरे आप लोग अभी नहीं जान रहे हैं सिस्टम, धीरे धीरे देखिएगा सिस्टम तो। आप लोग खुद आप ही सब कुछ जान रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं तो वो नहीं जान रहे हैं, आप ही सब कुछ जान रहे हैं, बताइए। हम आपको बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 बोले तो आप ऐसे बोलिएगा, ऐसे बोलिए। देखिए एक बात सुन लीजिए, आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं, समझ गए ना? चिराग पासवान जी को और लोक जनशक्ति पार्टी को। अब हम किसको क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोलेंगे? कैसे आप बोल दीजिएगा जी, आप फिर ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा ज्यादा बोल रहे हैं आप? हाँ ज्यादा मत बोलिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक क्या है आप, ठीक तक क्या बने, आप पहचान कि कौन हम बोल रहे हैं? ठीक है। हाँ क्या ठीक है, आप बोल रहे हैं और ये हो गया वो हो गया, आप बोल रहे हैं आप रामविलास जी का नाम बेच रहे हैं। अच्छा
उनका बेटा है आता, उनका बेटा है तो मैंने पार्टी चलाएगा, नहीं चल तो आप निर्णय लीजिएगा, आप डिसीजन दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है आप बोल रहे हैं, बहुत बुरा हो जाएगा बता दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये सब बहुत गलत बात है, मीडिया उडिया में मत बोलते रहिए, अलन फल बोलते रहिए। जो हमारा गुट तय करेगा 400 पदों के, क्या कौन गुट है आपका, कौन गुट है उसको बुलाइए तो जरा, हमसे मिलवाइए तो कौन गुट है क्या बोलता है। ठीक है, है? किसी का औकात है जी बोल देगा रामविलास जी को, आप चिराग पासवान जी को ऐसे। अच्छा देखिए आप उसको हल्के में मत लीजिए, बहुत बुरा अंजाम को हो जाएगा बता दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बुरा अंजाम कर देंगे बता, आप हमको पहचान नहीं रहे, हम एक शब्द नहीं सुनना चाहते चिराग पासवान जी के लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ में। ठीक है, ठीक नहीं है, आप ये गलत कर रहे हैं, आप माफी मांगिए जाके चिराग जी से। कतई नहीं कहेंगे, मांगिएगा आप। अच्छा चलिए, आप पार्टी में इतना दिन रह करके सारा चीज अभी किए, अभी पार्टी बुरा ऐसे करिएगा। जिस बारिश से हम पार्टी चला रहे हैं, हमारे खून पसीना से पार्टी बना है कि कौन खून पसीना से आता है। आप देखिए ज्यादा मत उड़िए, बता देते हैं ज्यादा मत उड़िए, अब तो अपना धमकी रखिए अपने। जब केशव सिंह से पूछा गया कि अमर आजाद नाम के व्यक्ति ने आपको धमकी दिया है तो उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं पाए कि वो क्यों धमकी देते हैं। हालांकि बिहारी न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।